हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है मिशन मंगल तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर कहा एक चर्चा एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस पॉक फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म आ, आ, सत्तर करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को आ, वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मार्स्क के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनॉमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट uh, थी इसके अलावा इस फिल्म में शर्मन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक सा डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट थे संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जीसा अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरभ भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोगों का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्की फुटेज है पूछे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर भारगी को तो जो कुमार के पेटमेन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर उन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफ दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स से उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है 2018 19 में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सराफ ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को 15 अगस्त 2019 को उन्नीस को कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यू सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प क्रिस्प्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, 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 बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ डिसेंट नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनो तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का, का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहां पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ के दिन तिहत्तर लाख दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पांचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन इन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पर इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास्क के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया और के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बाला ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुल पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नो को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोड एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भो, भोसले का रोल दिया गया था जो आई में एक डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पी जे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट थे संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद सैयद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फ़ारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हसबैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हसबैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया है अनिरबन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोगों का रोल था वो मनीष बरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्की फुटेज है फूचे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर दो हज़ार को सेम डे के ऊपर दो हज़ार में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नवंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है और मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे ले शक्ति ने बाद में ये आइडिया को कुमार अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर बार्गी को तो को जो कुमार के पेड मैन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर उन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट से वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो हज़ार उन्नीस को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहां पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई है जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह एक क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नजर आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्शनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह कैसे क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, 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 बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्सएडिस नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसिम बनो तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन अट्ठारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने 17 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन 23 करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन 27 करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनस्डे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक सौ करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेन्स्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौथा तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवें वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक, एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो 70 करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 290 करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन इन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कोंडी कौंडीपार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली गगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस पोग पोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंडस को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुल पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में शर्मन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोड एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक का डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अयब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फ़ारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया है अनिर्बान भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी वी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो है फूटेज फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नव्बर दो को इस फिल्म को अनाउंस किया जब आ, पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नवंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर पार्की को तो को जो कुमार के पेड मैन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटरउन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राधा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर आपने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड करके जो गाना था तोता उड उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को 15 अगस्त 2019 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई है जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प क्रिस्प्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह कैसे क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्सीजिए एडिसन नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बन्नो तो ये सभी लोग ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक सौ करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का, का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक सौ करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुंचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे तो के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवें वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक, एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो 70 करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 290 करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ सैटेलाइट टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन इन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म हॉप प्रोडक्शंस पोक फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा आ, के पॉफ गुड फिल्म हॉप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुबैया आरुनान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया होता जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनॉमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोड एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक सा डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरभ भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोगों का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्खी फुटेज है फूचे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नवंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक का इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन और श्रीदेवी को माइंड में रोल लेते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आरबार की को तो जो कुमार के पेड मैन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर उन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफ दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स से उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है 2018 19 में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तवा ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहां पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह से क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, ज, ज, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्स ये नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनो तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौसठ लाख जिसके चलते इस थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहां पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था था उसके बाद में इस में इस इस फिल्म फिल्म ने ने चौथे वीक भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था। जहां पे फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीक वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पांचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवें वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन वोगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पर इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शंस पोग फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया आरुनान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक सार डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट थे संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जीसा अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया है अनिरर्बन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी वी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोगों का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी की जो आर्काइव फुटेज है पूछे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज किए गए थे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें 5 नवंबर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब 5 नवंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नवंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक का इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर पार्की को तो जो कुमार के पेड के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फ़िल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफ दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है 2018 19 में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यू सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह से क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, ज, ज, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्सएडीसेंट नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तब सिंह बनो तो ये सभी लोग ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनस्डे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनजे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुंचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते इस थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहां पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनेसडे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन फिल्म का तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था था उसके बाद में में इस इस फिल्म ने इस फिल्म ने ने चौथे वीक भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया पे फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पांचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवें वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस, इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोथ कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो सौ नब्बे करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉग इन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन ने कहानी को लिखा हुआ है आर बाल के जगन शक्ति सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया औरिजनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म हॉप प्रोडक्शंस पोक फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म हॉप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास्क के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बाला ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुल पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नू को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया होता जो एक सेटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस में एक डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पी जे अब्दुल कलाम के ओल फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद सैयद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अयब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया है अनिर्बन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी वी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश समेता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी की जो आर्खी फुटेज है फूचे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नव्बर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब आठ नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच no. नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर no. 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते ले, ले, हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे सक्ति ने बाद में ये आइडिया अक्षय को कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर आरबारगी को तो जो कुमार के पेड के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर उन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए एटी स्टूडियोज़ में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर आपने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहां पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई है जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह कैसे क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्सीजिए एडिसेंट नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनो तो ये सभी लोग ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन अट्ठारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख का, का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने 17 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन 23 करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन 27 करोड़ चौवन लाख कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक सौ करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक सौ करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुए इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 290 करोड़ से ज्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ सैटेलाइट टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन इन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार एच गोल एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मार्स्क के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया होता जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनॉमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में शर्मन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भो, भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक सा डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट थे संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरभ भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोगों का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्की फुटेज है पूछे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर 2018 को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक का इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर आरबारगी को तो जो कुमार के पेन में इनके डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर लेटरउन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फ़िल्म मेकर थे जिसका नाम था राधा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए एटी स्टूडियोज़ में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स थे वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड करके जो गाना था तोता उड उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को 15 अगस्त 2019 को कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यू सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प क्रिस्प्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, ज, ज, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नजर आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ डिसेंट नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनो तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन अट्ठारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने 17 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन 23 करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन 27 करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेस्डे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुंचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेन्स्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था, था। जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन वोगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगनशक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आर बाल के जगनशक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पर स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म हॉप पोग फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म हॉप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाग्य ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मार्स के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया आरुनान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर में एक सार डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अयब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरबन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी वी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश समेता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्खी फुटेज है फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर दो हज़ार अट्ठारह को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक का इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन और श्रीदेवी को माइंड में रोल लेते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर की को तो को जो कुमार के पेन मैन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटरउन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफ दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स से उसके राइट से वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है 2018 19 में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था तो टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यू सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह एक क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, ज, ज, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्स ये नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह ने तप सिंह बनो तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनस्डे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहां पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ फ्राइडे के दिन तिहत्तर �right लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवें वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोथ कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो 70 करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 290 करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लोगिन इन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पर इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस पोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग है वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट पोपु थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोड एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक का डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फ़ारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया है अनिरबन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी वी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश मेहता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्खी फुटेज है फूचे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर दो हज़ार अट्ठारह को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नवंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक का इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहनलाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को, को पिच किया था और डायरेक्टर आर पार्क को तो जो कुमार के पेन के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटरउन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राधा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफ दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर उन वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स है अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है 2018 19 में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था ये टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स्ड मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई है जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नजर आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह कैसे क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, आ, बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्स ये नजर आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पर इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनो तो ये सभी लोग ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन अट्ठारह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख ,00 का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख ,00 का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख ,00 का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला विक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक करोड़ अठहत्तर ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुंचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहां पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस तो में इस फिल्म ने चौथे वीक भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहां ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख्स में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पांचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वी वीक में अड़तीस लाख का आठवें वी वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉगिन वोगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पर इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस फोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंडस को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मार्स के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया आरु नान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नो को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लाई का रोल प्ले किया होता जो एक सेटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोड एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भो, भोसले का रोल दिया गया था जो आई में एक डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पी जे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद सैयद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अय्यब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फ़ारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हसबैंड है इसके अलावा पूरब कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरभ भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक टी प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश समेता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई एस आर ओ में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो आर्की फुटेज है पूछे फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर दो हज़ार अट्ठारह को इस फिल्म को अनाउंस किया जब पाँच नंबर दो हज़ार को सेम डे के ऊपर दो हज़ार में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नवंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है और मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे शक्ति ने बाद में ये आइडिया को अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर आरबारगी को तो जो कुमार के पेड के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटरउन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स है वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स थे वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार्स है वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को पंद्रह अगस्त दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जीम्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ था जहां पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई है जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प स्क्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरह कैसे क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ डिसेंट नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फ़िल्म थी जहाँ पर इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह न तप सिंह तो ये सभी लोग ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे डी वी करीबन अट्ठारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख का, का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने 17 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन 23 करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन 27 करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेस्डे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक सौ करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुँचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने आ, अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेन्स्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौथा तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन दो करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था और फिर से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो सत्तर करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दो करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लॉग इन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे मिशन मंगल जो 2019 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जहां पे फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जगन शक्ति ने कहानी को लिखा हुआ है आरबाल की जगन शक्ति निधि सिंह धर्मा साकेत कौंडी पार्थी ने वहीं पे स्टोरी आइडिया ओरिजिनली जगन शक्ति का था इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शंस पोग पोक स्टार स्टूडियोज अरुणा भाटिया अनिल नायडू के द्वारा Uh, केप ऑफ गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है करीबन ये फिल्म सत्तर uh, करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वन ऑफ़ दी प्रोड्यूसर यानी कि फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात करें फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि दो घंटे सात मिनट लंबी फिल्म थी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन ने की हुई थी एडिटिंग ए वो चंदन अरोरा ने किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड को अमित त्रिवेदी ने किया हुआ है एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को सुनने को मिलेगी जो तनिज बाकी ने की हुई है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने राकेश धवन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और मिशन मास के डायरेक्टर थे और वो किरदार सुभैया अरुणान के ऊपर बेस्ड था इसके अलावा विद्या बालन ने तारा सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल था सोनाक्षी सिन्हा ने एकता गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो पॉपुल पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपर्ट थी तापसी पन्नों को कृतिका अग्रवाल का रोल दिया गया था जो एक नेविगेशन एक्सपर्ट थी नित्या मेनन ने वर्षा पिल्लई का रोल प्ले किया था जो एक सैटेलाइट इंजीनियर थी कीर्ति कुल्हारी ने इस फिल्म में नेहा सिद्दीकी का रोल प्ले किया जो एक स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमी डिजाइन डिजाइनर और पायलॉट थी इसके अलावा इस फिल्म में सरमन जोशी परमेश्वर जोशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो पेलोट एक्सपर्ट थे इसके अलावा एच जी दत्ता दत्तात्रेय ने इस फिल्म में अनंत अयंगर का रोल प्ले किया जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है विक्रम गोखले को इस फिल्म में श्रीकांत भोसले का रोल दिया गया था जो आई एस आर ओ में एक का डायरेक्टर है इसके अलावा वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के ओल्ड फ्रेंड का भी रोल प्ले करते नजर आएंगे दलीप ताहिर को इस फिल्म में रुपेश देसाई का रोल मिला हुआ है जो एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट है संजीव कपूर इस फिल्म में संजय कपूर इस फिल्म में सुनील सिंधे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो तारा के हस्बैंड है इसके अलावा इस फिल्म में मोहम्मद जैद अयब देखने को मिलेंगे जिसान अयब देखने को मिलेंगे ऋषि अग्रवाल के रोल में जो कृतिका का हस्बैंड और एक्स सर्विस मैन है इसके अलावा अमित के सिंह इस फिल्म में फारूक सिद्दकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो नेहा के स्ट्रेज हस्बैंड है इसके अलावा पूरा कोहली को इस फिल्म में विवेक पिल्लई का रोल दिया गया था जो वर्षा के हस्बैंड का रोल था मोहन कपूर ने इस फिल्म में रिपोर्टर दुर्गे स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अर्जन कपूर ने इस फिल्म में आ, रिपोर्टर संजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है अनिरबन भट्टाचार्य को इस फिल्म में अभिषेक संघा का रोल दिया गया था जो एक प्रेजेंटर थे इसके अलावा कश्मीरा परदेसी को इस फिल्म में अन्य सिंधे का रोल मिला हुआ था जो तारा और सुनील की डॉटर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में प्रथमेश समेता देखने को मिलेंगे जिन्होंने धनराज सिंधे का रोल प्ले किया हुआ है सुनील के फादर और तारा के फादर इन लोग का रोल था वो मनीष बोरुदिया ने इस फिल्म में कौशल साइनी का रोल प्ले किया जो आई में एम्प्लॉय थे इसके अलावा नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो है फूटेज फुटेज है वो इस फिल्म में यूज़ की गई थी तो ये फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें पाँच नवंबर दो को इस फिल्म को अनाउंस किया जब आठ नंबर 2013 को सेम डे के ऊपर 2013 में जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो लॉन्च किया था मिशन मंगल अनाउंस तभी की गई थी फिल्म को यानी कि पाँच नंबर 2013 की जो डेट थी उसी डेट पे यानी कि पाँच नंबर 2018 को फिल्म को अनाउंस किया गया टाइटल मिशन मंगल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है और मिड नवंबर 2018 में स्टार्ट करवा दी गई थी उसके बाद में अर्ली फरवरी तक इस फिल्म में तापसी पन्नू ने अपने शेड्यूल्स पूरी तरह से शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद में शक्ति ने इनिशियली इस फिल्म में मोहन लाल और श्रीदेवी को माइंड में रोल लिखते हुए रोल्स अक्षय कुमार और विद्या बालन के डेवलप किए हुए थे सक्ति ने बाद में ये आइडिया को कुमार अक्षय कुमार को पिच किया था और डायरेक्टर आर पार्गी को तो जो कुमार के पेड के डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के तो ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में लेटर उन पूरी तरह से तैयार किया गया वैसे इस फिल्म को नवंबर 2018 में कुछ कॉपीराइट का इश्यू सामना करना पड़ा था क्योंकि एक फिल्म मेकर थे जिसका नाम था राजा भारद्वाज उन्होंने इसके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उन्होंने कुछ केस इसके ऊपर किया हुआ था बाद में लेटर ऑन वो सभी चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दी गई थी साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है उसके राइट्स से वो अच्छी खासी प्राइस में जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए एटी स्टूडियोज़ में गानों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है दो हज़ार में सभी गाने रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म में टोटल तीन ट्रैक है जिसकी लेंथ है दस मिनट बत्तीस सेकंड अमित त्रिवेदी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो लिखे गए अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा तनिष बागची ने एक गेस्ट कंपोजिशन की हुई थी एक गाने के लिए तो पहला गाना था दिल में मार से वो गाने को बेनी दयाल और विभा सर ने गाया हुआ था साबासिया गाने को शिल्पा राव आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव ने गाया हुआ था टोटा उड़ करके जो गाना था तोता उड़ उसका म्यूजिक और लिरिक्स था वो तनिष बागची का था राजा हसन और रोमिन उसको गाया हुआ था टोटल तीन ट्रैक थे जिसकी लेंथी दस मिनट बत्तीस सेकंड इन सभी गानों को 15 अगस्त 2019 को कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आसानी से बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली यू सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज़ किया गया था तब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ था जहाँ पे कहानी जिस तरह से दिखाई गई जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है जिस तरह क्रिस्प क्रिस्प्रीन स्क्रीन प्ले के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था और इस फिल्म का जो डिरेक्शन था वो भी डिसेंट नज़र आए थे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की जैसे इस फिल्म में इनिशिएटिव लिया गया था जो एक्टर्स देखते आपको वो पता चलेगा चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है ओरिजिनल इंसिडेंट को लेते हुए जिस तरह से एक फिक्सनल स्टोरी उन्होंने डेवलप की हुई थी उसके बाद में चीज़ों को हमारे सामने जो पेश किया हुआ है जो मार्स के ऊपर जो मंगल पर जाने का जो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से क्या चंद्रयान टू में क्या हुआ था तो वो सभी चीज़ें हमें एक आ, आ, आसानी से समझाई गई है वो कम से कम आ, 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 बताया जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है चंद्रयान टू ले लो या आ, मास वाला मिशन ले लो कोई भी मिशन को उन्होंने आसानी से समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टेक्निकली फिल्म वेल मेड है वी एफ एक्स ये नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी एडिटिंग अच्छी थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन वाले सीन से उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है प्रोडक्शन की तरफ से एक अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी थी तो ओवरऑल एक देखने लायक फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिंह तपसीम बनू तो ये सभी लोग ने काफी बढ़िया काम भी किया हुआ था फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो को रिलीज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन 18,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अपने पहले दिन ये थर्सडे के दिन रिलीज़ हुई थी तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था फिल्म ने तो अपने पहले दिन उनतीस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन फिल्म ने सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन तेईस करोड़ अट्ठावन लाख और संडे के दिन सत्ताईस करोड़ चौवन लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक अच्छा खासा हेल्दी एक्सटेंडेड वीकेंड हासिल किया करीबन सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख का नेट कलेक्शन में मंडे के दिन फिल्म ने आठ करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया बाद में ट्यूजडे के दिन सात करोड़ बानवे लाख का वेनेसडे के दिन छः करोड़ चौरासी लाख का थर्सडे के दिन छः करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने अपना पहला वीक एक करोड़ सोलह लाख का दर्ज किया हुआ था इंडिया से नेट कलेक्शन में सेकंड वीकेंड भी फिल्म का अच्छा ही रहा था जहां पे सात करोड़ तिरासी लाख से फिल्म की शुरुआत हुई थी सैटरडे के दिन तेरह करोड़ बत्तीस लाख का कलेक्शन संडे के दिन पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन सेकंड वीकेंड था वो करीबन छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख का रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी थोड़ा डिसेंट कलेक्शन दिखाया था जहाँ पे तीन करोड़ सत्तासी लाख मंडे के दिन तीन करोड़ तिरतालीस लाख ट्यूजडे के दिन वेनसडे के दिन तीन करोड़ पंद्रह लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ पाँच लाख का, का कलेक्शन करते हुए फिल्म का सेकंड वीक करीबन उन पचास करोड़ पंचानवे लाख का रहा था नेट कलेक्शन उस इतना रहा था टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन एक सौ अठहत्तर करोड़ ग्यारह लाख तक इंडिया में पहुंचा था उसके बाद में तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था फ्राइडे के दिन दो करोड़ बीस लाख सैटरडे के दिन तीन करोड़ पच्चीस लाख संडे के दिन तीन करोड़ चौंसठ लाख जिसके चलते थर्ड वीकेंड था वो नौ करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था जहाँ पे वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन दो करोड़ सत्ताईस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन एक करोड़ इक्कीस लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ पंद्रह लाख का थर्सडे के दिन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन करते हुए फिल्म का चौदह तीसरा वीक था वो करीबन पंद्रह करोड़ तीन लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में भी थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया था जहाँ पे इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तिहत्तर लाख सैटरडे के दिन एक करोड़ चालीस लाख संडे के दिन दो करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड चार करोड़ तेईस लाख का रहा था वहीं पे उसके बाद में वीकडेज में इस फिल्म ने कुछ लाख में कलेक्शन किया था जिसके चलते इस फिल्म का चौथा वीक था वो सात करोड़ दो लाख का रहा पाँचवा वीक एक करोड़ पैंसठ लाख का रहा छठे वीक में छप्पन लाख का कलेक्शन सातवें वीक में अड़तीस लाख का आठवें वीक में उन्नीस लाख का और नौवे वीक में चार लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने इंडिया से करीबन दो सौ दो करोड़ अट्ठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और दो सौ करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई इसके अलावा इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रोथ कलेक्शन था वो करीबन दो सौ अड़तीस करोड़ अस्सी लाख का निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन इक्यानवे एक सॉरी इक्यावन करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते दो सौ नब्बे करोड़ उनसाठ लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो 70 करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 290 करोड़ से ज़्यादा कर रहा था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर मिशन मंगल नाम के साथ इस फिल्म को आसानी से बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या अभी कोई भी लोगिन वोगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस फिल्म को आसानी से फ्री में इन्जॉय कर सकोगे वहीं पे इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिशन मंगल फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको मिशन मंगल नाम के साथ स्टार गोल्ड टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से मिशन मंगल फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तो बस गायज इस फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू